स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज देखिए हम आपके लिए एक बढ़िया सा चैप्टर शुरू कर रहे हैं और वो है वर्क पावर एनर्जी। तो वर्क पावर एनर्जी में आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक बातें वर्क से रिलेटेड, और उसके बाद में फिर तब बातें होंगी एनर्जी और पावर की। तो चलिए ज़्यादा टाइम को ना खराब करते हुए हम लोग तुरंत शुरू कर देते हैं वर्क। अब देखिए वर्क क्या होता है। तो वर्क के लिए देखिए वर्क की अगर बात किया जाए तो वर्क सभी लोग जानते हैं भाई वर्क होता क्या है, फिर भी थोड़ा सा देखते हैं। यानी अगर वर्क की बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए कि ये ब्लॉक दिख रहा होगा हमको। अब इस ब्लॉक को एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दिया गया, और मान लीजिए अगर हम इस ब्लॉक पे ऐसे फोर्स लगा दें तो जब हम इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये ब्लॉक हमें हमारा जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यानी सरफेस पे स्लाइड करेगा। अब जब ये सरफेस पे स्लाइड करेगा तो फिर ब्लॉक का इधर की तरफ क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। अब इधर डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये हो गया फोर्स, इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा होगा, थीटा। तो जब हम इस वर्क को डिफाइन करेंगे तो वर्क क्या होगा, यहाँ पे फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, या इस वर्क को हम कहेंगे एफ डी एस कॉस थीटा। तो भाई वर्क को डिफाइन कर रहे हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट से, तो डॉट प्रोडक्ट से डिफाइन कर रहे हैं तो फिर ये वर्क जो है वो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होगा, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज स्केलर देन इट विल बी डॉट प्रोडक्ट। यानी यहाँ वर्क को डिफाइन करने के लिए हमें डॉट प्रोडक्ट की जरूरत होगी। डॉट प्रोडक्ट किसका होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का होगा, जैसा अभी हमने लिख दिया यहाँ पे एफ डी एस कॉस थीटा। अब और अगर ध्यान से देखें तो ये जो फोर्स है, फोर्स की यूनिट तो हम लोग लिखते हैं न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर, और कॉस थीटा साइन थीटा टेन थीटा इनकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि ये रेशियो होते हैं। इसलिए अगर इसकी हम यूनिट की बात करें तो यहाँ पे जो इनकी यूनिट होगी, फोर्स हो गया न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हो गया मीटर, तो यूनिट हो गई न्यूटन मीटर, और इसी न्यूटन मीटर को हम लोग कहते हैं जूल। तो ये जूल जो है वर्क की क्या हो गई, एसआई यूनिट। या फिर हम लोग ये जो न्यूटन लिखा हुआ है, इस न्यूटन को हम लोग लिखते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फिर मीटर है तो ये हो गया भाई मीटर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर भी इसकी एसआई यूनिट होती है, यानी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर ये इसकी एसआई यूनिट होती है, चाहे हम इसको जूल कह दें या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम, न्यूटन सॉरी किलोग्राम स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर कह लें। और यहीं से अगर हम इसे डायमेंशनली लिखना चाहें, डायमेंशनल फार्मूला, तो किलोग्राम के लिए मास एम हो गया, मीटर के लिए एल हो गया, और सेकेंड के लिए हमने टी लिख दिया। तो इस तरीके से ये वर्क का मिल गया हमको डायमेंशनल फार्मूला। ये तो बहुत बेसिक सी बात है जिसको हम लोगों ने नाइन्थ में पढ़ रखा होगा। अब देखते हैं कि ये जो वर्क है, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट से डिफाइंड हो रहा है, और डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का मे बी पॉजिटिव नेगेटिव आर जीरो, यानी वर्क जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। ये वर्क जो डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करेगा, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यानी आगे अगर हम लोग देखें इसको तो यहां से देखिए इतना तो क्लियर हो गया होगा भाई। तो आगे चलते हैं हम लोग आगे यहां पे देखिए, यानी हम कह सकते हैं कि वर्क मे बी पॉजिटिव नेगेटिव आर जीरो, डिपेंड्स ऑन द एंगल, यानी डिपेंड्स ऑन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। समझ गए भाई, यानी अगर
इस डायरेक्शन में वो अपने पास डिस्प्लेसमेंट और इधर की तरफ है देखो फोर्स, तो यहाँ ये जो एंगल है वो क्या है लेस देन 90 डिग्री, तो यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू होती है भाई पॉजिटिव, इसलिए वर्क भी जो है वो कैसा होगा पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर यहीं पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाए, यानी इधर की तरफ ये डिस्प्लेसमेंट और ये हो जाए फोर्स, तो फिर ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए, इनके बीच में एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। अब एंगल 90 डिग्री होगा तो हम लोगों को पता है कि यहाँ कॉस 90 की वैल्यू क्या होगी जीरो, तो हम लोग कहेंगे वर्क भी होना चाहिए जीरो। तो यानी वर्क देखिए पॉजिटिव भी हो गया जीरो भी हो गया। अब बात करें कि नेगेटिव कब होगा, तो इधर देखिए ये डिस्प्लेसमेंट है और ये हो गया फोर्स, इनके बीच में ये जो एंगल दिख रहा है ये एंगल हो गया मोर देन 90 डिग्री, तो यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू हो जाती है नेगेटिव, इसलिए वर्क क्या होगा नेगेटिव होगा। तो वर्क में भी पॉजिटिव नेगेटिव आर जीरो डिपेंड्स ऑन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इतनी बात भी क्लियर हो गई होगी, क्योंकि वैसे भी डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो होता है। अब देखिए इसकी बात करेंगे यानी वर्क जीरो, तो जीरो के लिए बहुत सारे फोर्स होते हैं जिनका वर्क जीरो होगा। जैसे हम लोगों ने पढ़ रखा होगा कि ये हो गया देखिए सर्कुलर मोशन। अब इस सर्कुलर मोशन में अगर हम लोग बात करें तो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो किधर होगा अलोंग द टेंजेंट ऑफ सर्किल या टेंजेंशियल टू सर्कुलर पाथ, और सर्कुलर मोशन के लिए जो रिस्पांसिबल फोर्स है जो इसकी डायरेक्शन चेंज करता है वो हो गया सेंट्रीपिटल। तो अब सेंट्रीपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो हो गया 90 डिग्री, यानी वर्क डन की अगर हम लोग बात करें तो वर्क डन बाई सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होने वाला है जीरो। सेंट्रीपिटल के अलावा एक फोर्स और हम लोग जानते हैं जिसको सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं, तो भाई डिस्प्लेसमेंट तो अलोंग द टेंजेंट ही होगा, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब हम लोग लगाते हैं तो कहते हैं कि ये लगेगा रेडियली आउटवर्ड, यानी ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल। अब देखिए जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और ये जो डिस्प्लेसमेंट है इन दोनों के बीच में भी एंगल हो गया 90 डिग्री, तो इनका भी वर्क क्या होगा जीरो होगा। यानी ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन वर्क डन बाई सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मस्ट बी जीरो, 100% ये हमेशा हमेशा जीरो होगा। इसके अलावा देखिए एक चीज़ और भी है, अगर हम कहें कि ये है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्ट कर रही है इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड, और यहीं पे अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को, ये पॉजिटिव चार्ज है क्यू, इस चार्ज क्यू को हमने प्रोजेक्ट कर दिया मैग्नेटिक फील्ड में, तो जब मैग्नेटिक फील्ड में इसे हम प्रोजेक्ट करेंगे तो ये चार्ज पार्टिकल हमारा वी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया, यानी ये ऐसे वी वेलोसिटी से चल रहा होगा, तो जब ये वी वेलोसिटी से चल रहा होगा तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फोर्स इस पे एक्ट करेगा, और मैग्नेटिक फोर्स किधर होगा वो इस डायरेक्शन में हो गया, तो मैग्नेटिक फोर्स को हम लोग कहते हैं क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस प्रोडक्ट से डिफाइंड होता है, तो कितना फोर्स हो गया क्यू वी बी यानी क्यू वी क्रॉस बी। और अब देखिए जब ये मैग्नेटिक फोर्स है और इधर वेलोसिटी होगी तो फिर इसी डायरेक्शन में क्या होगा इसमें डिस्प्लेसमेंट भी होगा, और ये दोनों फोर्स एक बार फिर हो गए परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर भी वर्क क्या होगा जीरो होगा। यानी अगर कोई चार्ज पार्टिकल है मूव करता हुआ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर जाएगा, नहीं परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है यानी वेलोसिटी और ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं है, तो भी अगर कोई चार्ज पार्टिकल इंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो मैग्नेटिक फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, और ऐसी कंडीशन में वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा।
तो इतनी बातें ये क्लियर हो गई होंगी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब कभी परपेंडिकुलर होंगे तो उनका वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब आगे यहाँ पे वर्क की जो अभी अभी हमने डेफिनेशन आपको बताई कि इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, इस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे, बीच में एंगल थीटा होगा, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि वर्क क्या होगा। तो वर्क होगा, अगर इस फोर्स का हम इधर कंपोनेंट चेक करें तो इसका कंपोनेंट इधर क्या आएगा, एफ कॉस थीटा। यानी वर्क को इन जनरल हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद द कंपोनेंट ऑफ फोर्स, विद कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। समझ गए होंगे, यानी फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा, या फिर यहां इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि ऐसे हम कह रहे हैं कि इधर डिस्प्लेसमेंट हो गया, इस डायरेक्शन में हम लोग बोल रहे हैं कि फोर्स होगा और बीच में एंगल थीटा है। अगर डिस्प्लेसमेंट को हम इधर की तरफ रिजॉल्व करते तो इधर इसका कंपोनेंट हो जाता डी एस कॉस थीटा। अभी भी वर्क क्या है यहाँ पे, देखिए एफ हो गया, फिर हो गया डी एस कॉस थीटा, यानी वर्क क्या हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग हम कहेंगे फोर्स, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स विद डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी या तो हम फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में चेंज करें या डिस्प्लेसमेंट को हम फोर्स के डायरेक्शन में इसको रिजॉल्व करें, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट कैलकुलेट करें तो इससे हमें मिल जाएगा वर्क। तो ये तो बेसिक चीजें हैं, अब इनका देखिए इस्तेमाल कैसे करते हैं न्यूमेरिकल में, तो आगे देखते हैं फिर। अब यहाँ पे देखिए हमने एक जो है सिंपल पेंडुलम हैंग करके रखा हुआ है, इसकी लेंथ एल है और जो बॉब लगा है इस सिंपल पेंडुलम में, इस सिंपल पेंडुलम के बॉब का मास है एम। यहाँ अगर देखें कि किसी हॉरिजॉन्टल फोर्स को अप्लाई किया गया, यानी इस बॉब पे इक्विलिब्रियम में था, बॉब पे हमने एक कांस्टेंट फोर्स एफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया। अब ऐसा जब हम करेंगे तो यहाँ पे ये बॉब हमारा सर्कुलर मोशन करता हुआ यहाँ कहीं ऐसे पहुँच गया, यानी फोर्स की ये कंडीशन होगी, सिंपल पेंडुलम की ये कंडीशन हो गई, इधर हो गया फोर्स और ऐसे लग रहा होगा इसका अपना वेट mg, यानी mg तो यहाँ भी लग रहा था ऐसे mg, और इस डायरेक्शन में हो गया देखो टेंशन। अब बात करें टेंशन, तो टेंशन अभी भी देखिए डिस्प्लेसमेंट के किधर है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि वर्क डन बाई टेंशन जो है वो होगा ज़ीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, अलोंग द टेंजेंट ऑफ पाथ, फोर्स किधर लग रहा है, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट यानी रेडियली इनवर्ड, तो टेंशन का जो वर्क होगा यहाँ पे क्या होगा, ज़ीरो। लेकिन अगर हम यहाँ एफ के फोर्स की बात करें कि फोर्स एफ जो लग रहा है इसका कितना वर्क होगा, तो उसके लिए फिर ये डिस्प्लेसमेंट हुआ जो फोर्स की डायरेक्शन में है, यानी ये जो रेड कलर से दिख रहा होगा ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉब इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और स्ट्रिंग अगर इस समय एंगल फॉर्म कर रही है थीटा, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट अभी अभी हम लोगों ने लिखा, ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, एल साइन थीटा। अब देखिए एल साइन थीटा जो डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, तो इनका जो वर्क है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। यानी वर्क डन बाई अगर हम फोर्स लिखते तो ये हो जाता F और डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स कितना हो गया, L साइन थीटा। तो फोर्स हो यानी इसका जो वर्क है वो हो गया एफ एल साइन थीटा, पॉजिटिव होगा क्योंकि ये जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट की ही डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ
फोर्स का जो वर्क होगा वो कितना होगा, एफ एल साइन थीटा। हाँ, अगर हम बात करें एम जी ने कितना वर्क किया, तो देखिए पहले बॉब की पोजीशन ये थी, अब बॉब की पोजीशन ये हो गई, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में ये जो बॉब का डिस्प्लेसमेंट है वो इतनी सी डिस्टेंस हो गया, और ये कितना होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि इतनी डिस्टेंस तो हो जाएगी एल कॉस थीटा, तो फिर ये डिस्टेंस होना चाहिए एल माइनस एल कॉस थीटा। अब ये जो बॉब है उस पर एम जी किधर लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, और वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो रहा है एल माइनस एल कॉस थीटा। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में, फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो एंगल कितना हो जाएगा 180, यानी वर्क कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और नेगेटिव में जो वर्क होगा वो कितना होगा, तो वर्क डन बाय, अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स लिखें तो ये हो जाएगा एम जी, डिस्प्लेसमेंट हो गया एल 1 माइनस कॉस थीटा, और आगे लिख लेते कॉस 180। कॉस 180 क्यों लिखा गया, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही अपोजिट हैं, तो यहाँ से जो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क मिलेगा वो हो जाएगा माइनस एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा। यानी या तो डिस्प्लेसमेंट को फोर्स के डायरेक्शन में लेके मल्टीप्लाई कर लो, या फिर डिस्प्लेसमेंट को फोर्स के डायरेक्शन में लेके मल्टीप्लाई कर लो, आपको वर्क मिल जाएगा। उम्मीद है कि ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो एक और एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। तो एक और एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखिए, हमने ये बना दिया भाई सर्किल, और कैसा सर्किल दिख रहा है, क्वार्टर सर्किल दिख रहा है, क्वार्टर सर्किल है, यानी 1/4 ऑफ सर्किल, जिसकी रेडियस है आर। अब यहाँ पे हमने एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये देखिए कि ये हमने यहाँ पे ऐसे एक ब्लॉक रख दिया, तो ये जो ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ दिख रहा है, इस ब्लॉक पे हमने फोर्स लगा दिया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो जब हम इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे, तो फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो तो ये हो गया, और यहाँ से यानी इस पॉइंट ए से अगर इस ब्लॉक को बाई फोर्स एफ हम शिफ्ट करना चाहें, यहाँ पे लाना चाहें इस पॉइंट बी पे, यहाँ तक अगर लेकर के आए, तो देखिए फोर्स के डायरेक्शन में फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, रेडियस के बराबर। फोर्स किधर लग रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कितना है, आर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो यहाँ अगर हम लिखें वर्क डन बाई फोर्स, तो ये हो जाएगा एफ इंटू आर, साथ में अगर लिखना चाहें तो कॉस जीरो कर दें, यानी फोर्स का वर्क हो गया एफ आर, और वर्क कैसा हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव हुआ, क्योंकि ब्लॉक में जो डिस्प्लेसमेंट है वो है इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अभी भी अगर कोई टेंशन है तो फिर देखते हैं हम लोग एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पे अगर चलिए फिर से हमने वही बना दिया, ये फिर हो गया भाई, मान लीजिए एक क्वार्टर सर्किल है। अभी इस सर्किल में हमने यहाँ पर अभी रखा हुआ एक ब्लॉक, तो ये हो गया भाई ब्लॉक, और इस ब्लॉक को रख दिया गया पॉइंट ए पे, और लेके कहाँ जाना है हमें, इसे पॉइंट बी पे। लेकिन अब की बार जो हमने इस पे फोर्स अप्लाई किया, उस फोर्स की डायरेक्शन है डायरेक्टली बी पॉइंट को ये देख रहा होगा, यानी फोर्स किधर की तरफ हो गया, डायरेक्टली टुवर्ड्स बी। अब फोर्स की डायरेक्शन में ब्लॉक तो हमारा इस रास्ते पे चलता हुआ जाएगा, तो ये रास्ता क्या होगा, डिस्टेंस होगा। बट इस फोर्स के डायरेक्शन में जो इसका ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, आर रूट टू। आर क्या चीज है, कहेंगे ये है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो फोर्स के डायरेक्शन में देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, आर रूट टू। तो यहाँ पे भी अगर हम वर्क लिखना चाहें तो वर्क हो जाता एफ, और डिस्प्लेसमेंट हो गया आर रूट टू, यानी वर्क मिल गया एफ आर रूट टू। यानी फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में चेंज करो, या डिस्प्लेसमेंट को फोर्स के डायरेक्शन में, और आराम से आप वर्क लिख सकते हैं।
उम्मीद है कि ये बात क्लियर हो गई होगी। तो आगे देखते हैं फिर हम लोग, यानी देखिए एक बार फिर हमने वही फिगर बना दिया, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज किया। ये जो ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है, इस पे हमने फोर्स ऐसे ही लगाया कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो कंटिन्यूसली टेंजेंशियली चेंज होती रहेगी। यानी यहाँ फोर्स का मैग्नीट्यूड तो देखो कांस्टेंट रहेगा, बट फोर्स की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी अलोंग द सर्कुलर पाथ। ऐसी कंडीशन में अगर हम वर्क लिखें तो यहाँ पे देखिए फिर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हर मोमेंट पे, हर मोमेंट पे, किसी भी इंस्टेंट पे बात करें, दोनों किधर हैं? पैरेलल हैं। तो इसका भी वर्क क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और कितना होगा? तो अब लिखेंगे एफ। और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, क्योंकि डीएस वेक्टर, डीएस वेक्टर, डीएस वेक्टर, डीएस वेक्टर कर डालेंगे तो इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया। कितना होगा? तो ये हो गया पाई आर बाई टू। यानी कंप्लीट सर्किल होता तो टू पाई आर, हाफ होता तो पाई आर, क्वार्टर सर्किल है इसलिए क्या हो गया? पाई आर बाई टू। अब वर्क हो जाएगा एफ इंटू पाई आर बाई टू। और क्यों होगा? क्योंकि फोर्स के जो इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन है वो हर मोमेंट पे डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है, तो इसलिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को हमें हर हाल में सेम डायरेक्शन में करना होगा। कभी डिस्प्लेसमेंट को करेंगे फोर्स की डायरेक्शन में, कभी फोर्स को करेंगे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, क्योंकि वर्क से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे फोर्स होते हैं जो कुछ वर्क करते हैं पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव, कुछ वर्क नहीं भी करते हैं। तो ऐसी ही सारी चीज़ों को बेसिक बेसिक डिस्कस करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बाकी मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। और पूरे सिलेबस को देखने के लिए, पढ़ने के लिए आप ज्वाइन करें, जो YouTube चैनल है तच्छिचला अकेडमी के नाम से, आप उसे ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और करवाएं उनसे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें, समझ सकें। तो उम्मीद है कि कुछ चीज़ें आज की समझ में आई होंगी। बाकी मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।